बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए नई रणनीति बनाई है। यूपी में बीजेपी जिला स्तर पर ग्रामीण युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। इसके लिए उसने कबड्डी का सहारा लिया है। पार्टी ने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कबड्डी मैचेस की सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। हर जिले में नमो कबड्डी का आयोजन किया जाएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी पर है। बीजेपी ने प्रदेश में मिशन 80 का प्लान बनाया है। अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है तो 2024 की राह एकदम आसान हो जाएगी। बीजेपी ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। 2024 के दंगल में अब कबड्डी के जरिए हार जीत का फैसला होगा। निशाने पर होंगे यूपी के नौजवान और किसान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने नमो कबड्डी के सहारे गांव के लोगों के बीच बैठ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। जानकारी के मुताबिक नमो कबड्डी का आयोजन हर विधानसभा में किया जाएगा। टॉप 3 टीमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मानित भी करेंगे। टारगेट है कि इन आयोजनों में 2 करोड़ किसान और 5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। यूपी में 4 दिसंबर से हर विधानसभा में आयोजित होने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को ग्रामीण स्तर पर जोड़ने की बात रखी है और जो कार्यक्रम रखे हैं, यह इसी दृष्टि को सामने रख करके, इसी लक्ष्य को दृष्टि में रख के सामने रख लिया गया है, ताकि जो ग्रामीण स्तर पर जो युवा स्पोर्ट्स प्रतिभाएं हैं वो निखर सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी, जो 2019 के मुकाबले 9 कम थी। नतीजों में अंतर में एक बड़ी वजह करीब 2.5 दशक बाद यूपी में हुआ सपा बसपा गठबंधन भी था। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने यूपी में हारी 16 सीटों के नतीजों को बदलने पर मेहनत शुरू कर दी थी। पिछले साल जून में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर संख्या 66 कर ली। अब बची हुई 14 सीटों पर नतीजे बदलने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।